हो गया सबका डाउनलोड? जी सर, अब अच्छा मेरा बच्चा, जी आप लोग सर, स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने ना डेस्कटॉप पर एक कोई भी फोल्डर बना लें, किसी भी नाम से। जिस तरह मैं यहाँ पे बना रहा हूँ न्यू फोल्डर, फोल्डर का मैं नाम दूंगा HTML। ठीक है, अब आपने अपना जो सा ना विजुअल स्टूडियो, आ गए हैं सब लोग मेन स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो। सर ओपन हो गई है। चलें ठीक है, अब आप लोगों ने इधर फाइल में आ जाना है। फाइल में आके आप जो सा है ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर आप लोगों ने जो सा है बनाया अभी डेस्कटॉप पर, जो मैंने आपको कहा था आपने उसको ओपन कर लेना। ओपन कर लिया? ठीक यस सर, गुड, हो गया। अच्छा मेरा बच्चा, HTML में जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ चीजें होती हैं जिसकी बेस पे हमारी HTML जो सा है ना हमारी किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर जो सा वो डिवेलप करती है और उसको स्टैंड करती है। फिर उसके बाद हम CSS जैसी या टेलविंड या बूटस्ट्रैप जैसी कुछ लाइब्रेरीज ये यूज करते हैं अपनी बॉडी को डिजाइन करने के लिए और उसको स्टाइल करने के लिए। लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ HTML से रिलेटेड है, सिर्फ आज हम HTML देखेंगे और HTML के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह HTML काम करती है और किस तरह HTML हमारे लिए जो सा है एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है, ये हम आपको आज करके दिखाएंगे। तो चलो मेरा बच्चा, अब आपने अपने HTML वाले पे क्लिक करना है। ये जो आपने फोल्डर बनाया था आ रहा है आप सब लोगों का। इस फोल्डर के ऊपर जब आप प्लस फाइल वाला साइन देखते हैं तो ये आपको कहते हैं न्यू फाइल का। एक अपनी एक न्यू फाइल बनाए, फाइल को नाम दे इंडेक्स डॉट HTML। आपने बताना जरूरी है इसमें क्यों, क्योंकि उसकी बेस पे वो फाइंड करता है कि यार ये एक HTML की फाइल है और इसमें जो उनका कोड है ना वो HTML का होगा। अब इंडेक्स डॉट HTML जब हम करते हैं तो ये हमारे पास हमारी इस तरह की कुछ फाइल आ जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरा बच्चा, आप लोगों ने शिफ्ट वन प्रेस करना है। ये इसका एक कोड स्निपेट है HTML के लिए। ये हमें इसकी बॉडी का ना जो सा कुछ बॉयलर प्लेट सा बना कर दे देता है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे, ये देखें लोगों के पास आ रहा है ऑनलाइन में बच्चे, आप लोगों के पास आ रहा जी जी सर, आ रहा है? समझ आ रही है मेरा बच्चा? है जी, बिल्कुल यस, सर, ठीक है। अब यस हम सर, देखते हैं इसने हमें बॉयलर प्लेट में क्या क्या दिया। सबसे पहले इसने हमें दिया डॉक टाइप HTML, कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन की टाइप होगी वो HTML होगी। फिर HTML के बाद उसने एक लैंग्वेज दी है जिसमें उसने EN लिखा है जो रेफर कर रही है इंग्लिश को, यानी कि जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे वो इंग्लिश होगी। फिर उसके बाद आप नीचे देखते हैं एक हेड है। हेड बेसिकली जब हम इसमें आते हैं ना HTML में, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक आपका टॉप सेक्शन होता है जिसमें आपकी डॉक टाइप डिक्लेयर हो रही होती है। फिर उसके बाद आपका हेड आ जाता है जो एज ए ब्रेन काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद आपके नीचे बॉडी आ जाती है। अब आपके हेड में जो सा ना वो आपको एक UTF-8 बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको व्यू पुट दे रहा है और फिर उसके बाद आपको बता रहा है कि जो सा आपका कंटेंट होगा ना उसकी विड्थ जो सी है वो डिवाइस की विड्थ होगी, यानी कि लेट से आपका एक कंटेंट है तो जितनी भी विड्थ ले रहा होगा ना वो डिवाइस की विड्थ ले रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनिशियल स्केल आ जाता है, यानी इनिशियल स्केल 1.0 उसने दिया। ये चीज होती है जब आप किसी वेब पेज को ओपन करते हो उसका जो उनसे इनिशियल जूम लेवल होता है वो 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर रह के हम कोड करते हैं और कोड हम हेड में भी करते हैं, लेकिन इसमें हम ज्यादातर यानी बाहर से कोई चीज हमने इम्पोर्ट करनी होती है ना जब, तो वो हम हेड में इम्पोर्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद हम बॉडी में जो था ना अपना सेपरेट कोड कर रहे होते हैं, जब हम अपनी बॉडी को स्टैंड कर रहे होते हैं। HTML में काफी ज्यादा चीजें हैं लेकिन उनमें से जो सी आज हम करेंगे वो बहुत मुख्तसर सी होंगी। HTML में लेट्स से क्या हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास टैग्स होते हैं,
हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। आज हम एचटीएमएल में तीनों चीजें देखेंगे, एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स देखेंगे। हम सबसे पहले टैग से स्टार्ट करते हैं। तीन तरह के टैग होते हैं, और भी काफी टाइप्स होते हैं, लेकिन तीन तरह के बेसिक होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मेरे टैग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्लोजिंग की भी जरूरत नहीं होती है और उसके पेड भी नहीं होते हैं। ये अब टैग्स में आपको बताता हूँ मेरा बच्चा क्या होता है। देखें, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने डिव टाइप की है, और ये जो आप डिव देख रहे हैं ये एक टैग है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये पेयर टैग है, एक इसका ओपनिंग टैग है और एक इसका क्लोजिंग टैग है। अब इसके अंदर हम जो है ना एक और टैग ले लेते हैं, एच वन टैग। एच वन में भी आप देख रहे होंगे एक ओपनिंग टैग है, हाँ जी, एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। अब इन दोनों के बीच में जो है ना हम अपना कोई भी टेक्स्ट डाल देते हैं। जैसे लेट्स से हम कहते हैं यार हेलो वर्ल्ड, अच्छा मेरा बच्चा, आप लोग ना सबसे पहले एक इस तरह काम करें, आप लोग अपनी लेफ्ट साइड पर देख रहे होंगे, आपको कुछ चीजें नजर आ रही है, फाइल है, एक सर्च आइकन है, फिर इसके बाद और थोड़े से आइकन है, फिर एक रन एंड डिबग का आइकन है, उसी के साथ नीचे आकर ना एक एक्सटेंशन का भी आइकन है। आप सब बच्चे मेरे उस पे ना आ जाए, एक्सटेंशन वाले आइकन पे आए। और एच टी एम एल जो सा ना बॉयलर प्लेट कर लें, इसमें से आप कोई भी जो सा ना दो चार कर लें वो आपके काम आ जाएंगे, लेकिन जो हमने असल में करना है वो हमने करना है गो लाइव की एक एक्सटेंशन है वो हम करेंगे। उससे क्या होता है कि हम लोग जो सा अपने वेब पेज को लाइव देख सकते हैं, नहीं नहीं वीडियो क्रिएट नहीं होती मेरा बच्चा, मैं भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। लाइव सर्वर की आ रही है आप सब लोगों के पास, ये लाइव सर्वर देख रहे हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे, ये लाइव सर्वर आप लोगों ने अपना इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है मेरा बच्चा। आप लोग इसको इंस्टॉल करो जल्दी से, फिर हम जॉनसन अभी आपको करके दिखाते हैं। इंस्टॉल हो गया, ऑनलाइन में भी सब बच्चों का इंस्टॉल हो गया मेरा बच्चा। जी सर, हो गया इंस्टॉल। जी चलो मेरा बच्चा, सर, अच्छा अब आप लोग अपने ये नीचे बॉटम पे, राइट साइड बॉटम पे आप लोग ये देख रहे हैं गो लाइव का कोई आइकन आ रहा है आप लोगों को? गो लाइव आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे? आप लोग गो लाइव पे जब क्लिक करेंगे ना, ये देखो मेरा बच्चा, ये आप लोगों का पेज जो है इसने एचटीएमएल का पेज इसने स्टार्ट कर दिया हुआ है। ओके हो गया मेरा बच्चा, इस तरह करके आपको आपका जो पेज डेवलप कर रहे होंगे आपको इस तरह करके दिखाएगा। अच्छा मेरा बच्चा, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। टैग तो हो गए, टैग में आगे आपको बताऊंगा काफी इनकी टाइप्स हैं, वो सब कुछ भी बताता हूँ, लेकिन अभी हम इनका बेसिक बेसिक देख लेते हैं। अच्छा मेरा बच्चा, एक हो गया टैग, अब एलिमेंट क्या होता है मेरा बच्चा? आप ये एच वन को देख रहे हैं, एच वन के ओपनिंग, और यार ये किसके उसमें से आवाज आ रही है मेरा बच्चा? ये जिसके भी आवाज आ रही है ना इसको बंद करे, अपने माइक को बंद करे। ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देख रहे हैं आप लोग एच वन का, आप इसके अंदर हेलो वर्ल्ड देख रहे हैं। अब मेरा बच्चा, इसने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से अंदर और बाहर, यानी ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक ये जितनी भी चीज बनी है ये आपका एक एलिमेंट बन गया, ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब एलिमेंट में दो टाइप्स होती हैं, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन वो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आप उनको लाइन के अंदर ही लिखते रहेंगे ना तो वो चलते जाएंगे आपके साथ, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। और ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं मेरा बच्चा कि जब आपने उसको सेकेंड टाइम जब आपने उसको डिक्लेयर किया ना यहाँ पर, तो वो अपनी नई लाइन से स्टार्ट हो जाएंगे, ये लाइन वो छोड़ देंगे हेलो वर्ल्ड वाली। अब इसके बाद अगर ये देखें ना, मैं आपको एक एच टू की लाइन बना के दिखाऊं और इसमें लिखूं न्यू लाइन, तो ये देखो मेरा बच्चा,
ये देख रहे, न्यू लाइन आ गई। ये मुझे होता है किसी लोगों को का वीडियो शो नहीं हो रही, वीडियो शो नहीं हो रही मेरा बच्चा आपको। किस ईमान नाम के है कोई, उन्हें वीडियो शो नहीं हो रही। मेरी तरफ से जा रही है आपके ना किसी बच्चे, आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम होगा, मेरी तरफ से वीडियो जा रही है आपको। ठीक है। और अच्छा मेरा बच्चा, ये ब्लॉक एलिमेंट अब देख रहे हैं, हमने उसको न्यू लाइन से स्टार्ट कर दिया, वो अपनी लाइन ब्रेक कर देता है और नेक्स्ट लाइन से वो स्टार्ट कर लेता है। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, बल्कि एट्रीब्यूट मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम जो सा टैग्स देख लेते हैं। हाँ जी मेरा बच्चा, अब जिस तरह ये न्यू लाइन है आपने देखा ना, जो इनलाइन एलिमेंट होता है ना, अगर मैं इसको न्यू लाइन के बाद ये देखे, अगर मैं इसको लोरम का एक मैं डमी टैग ले लेता हूँ 25 वर्ड्स का, ठीक है। अब मैं इसको जो सा है ना एक टैग डालता हूँ इसके अंदर बी आर का, ठीक है। अब इसने क्या किया, लाइन को ब्रेक कर दिया, देख रहे हो। अब उसने लाइन को ब्रेक करके वो आगे ले कि एक इनलाइन टैग है, इनलाइन एलिमेंट है। इससे अब ये होगा कि आपकी लाइन जो ना वो कंटिन्यू चलती रहेगी। हाँ जी, लाइन चलती रहेगी, वो ब्रेक नहीं करेगा। हाँ। अच्छा, लोरम जो है मेरा बच्चा, ये एक डमी टेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड यही टेक्स्ट चल रहा होता है। आप किसी भी वेबसाइट की जब डमी उठाते हैं ना, या वेबसाइट की कोई कॉपी उठाते हैं, आप लोग देखेंगे उन्होंने पूरी वेबसाइट बड़े अच्छे से बनाई होती है, लेकिन जो टेक्स्ट होता है ना वो लोरम इप्सम डाला होगा उन्होंने। ये एक डमी टेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड दिया हुआ उन लोगों ने कि जो सा डिवेलपर्स अपनी आसानी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आप लोरम लिखते हैं, आगे वो आपको सारा दे देता है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी देखो मैं इधर एक H2 के बाहर जो सा है अपना एक P का टैग ले लेता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ लोरम 500। इसने मुझे 500 का एक दे दिया P पैरा, ये मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा मेरा बच्चा, ये हो गया आप लोगों के एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए, और मैंने अब आपको टैग्स बता दिए। अब हम बात करते हैं टैग्स पे, बहुत ज्यादा टाइप टैग्स पे, एट्रीब्यूट मैं आपको बात बताता हूँ। बहुत ज्यादा टाइप के टैग्स हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अपनी हेडिंग के टैग्स। हेडिंग के 6 टैग्स हैं टोटल, H1 से लेकर H6 तक। जितना नंबर बढ़ता जाएगा हेडिंग की वैल्यू कम होती जाएगी, और उतनी लाइट हेडिंग आपकी होती जाएगी। H1 में मैं ले रहा हूं अपना हेलो वर्ल्ड को अगेन से, और उसके बाद मैं ले रहा हूं H5 को ले लेता हूं, ठीक है। इसमें मैं ले लेता हूं न्यू लाइन को, अच्छा कुछ भी यूज कर सकते हैं बेसिकली मेरा बच्चा, आपने इसको इस तरह यूज करना है। यार ये कौन कर रहा है इस तरह, अच्छा मेरा बच्चा आप कोई भी टैग ले सकते हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आपको यहाँ पे H1 चाहिए, यानी आपको एक मोटी हेडिंग चाहिए, आपका अपना यूजर को मोटी हेडिंग दिखाना चाह रहे हैं, बड़ी हेडिंग दिखाना चाह रहे हैं, या बोल्ड हेडिंग दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उतना छोटा नंबर लेते हैं, ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब देखो मैंने एक H1 लिया, इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड ले लिया, H5 ले लिया है, इसमें मैंने न्यू लाइन ले लिया है। अब आप मेरा बच्चा इधर आ जाए, आप इसको देख, कुछ समझ आया मेरा बच्चा, ऑनलाइन जी सर, क्लियर है। क्लियर हो गया। हम यस अपने सर, नेक्स्ट टैग पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टैग है जी हमारा H के अलावा किस चीज का, P का टैग है। P हमारा स्टैंड करता है पैराग्राफ के लिए, किसके लिए, पैराग्राफ के लिए। ये देखें मैंने इसमें लोरम करके एक एब्रिवेशन ले लिया है अपना, और अच्छा ठीक हो गया, मेरे पास ये एक पैराग्राफ आ गया। अगर आप चाहें तो मैं इसको जरा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए, ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, पी किसके लिए आता है, पैराग्राफ के लिए। अब चूंकि बात हो रही है हमारी इस चीज से कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आपको
एट्रीब्यूट का भी बताऊं, तो इसलिए हम जो है ना इस टाइम पे यहाँ पे एक इमेज का टैग लेने लगे। ठीक है, अब जब हमें किसी वेबसाइट में कोई इमेज की जरूरत होती है तो हम उसमें इमेज का टैग लेते हैं, और टैग्स बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए। जब हम लोरम टाइप करते हैं ना मेरा बच्चा, तो वो हमें बता देता है कि यार ये पूरी एब्रीवेशन चाहिए आपको, बस हाँ जी ये फेमस है और ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है इसमें। ठीक है मेरा बच्चा, अब हम लेंगे जी इमेज का टैग इसमें। आ जाए मेरा बच्चा, जरा पी से बाहर निकले, हम लेते हैं जी यहाँ पे इमेज का टैग। अब बात करते हैं जी एट्रीब्यूट की, किस चीज की? एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे टैग या एलिमेंट को और ज्यादा डिफाइन करता है। ठीक हो गया, अब मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, इमेज का तो मैंने टैग ले लिया, लेकिन इमेज मेरी कहाँ से आएगी? उसके लिए मैंने सोर्स का एट्रीब्यूट ले लिया, और अगर मेरी इमेज कस्टमर को या यूजर को नहीं शो हो रही है तो उसकी जगह कोई अल्टरनेट टेक्स्ट आ जाए, या यूजर को पता चल जाए यार यहाँ पर इमेज है, मेरी कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे इमेज शो नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पर इमेज थी, उसके लिए हम ऑल्ट में। हमजा मेरा बच्चा अपना माइक बंद कर दें, मैंने आपको पहले भी बताया आपका शोर आ रहा है पीछे से, कोई बात नहीं, फिर वो किसी ने क्वेश्चन भी करना होता ना, अच्छी बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी फाइल को ओपन करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ इमेज लेकर आता हूँ। लेट्स से मैं ये वाली की इमेज उठा के ले आता हूँ। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज की है। अब ये कह रहा है सोर्स, सोर्स एट्रीब्यूट है, इमेज टैग में आता है, बताता है कि पिक्चर कहाँ से आ रही है और पिक्चर किस नाम से सेव है। अब मेरी क्योंकि पिक्चर इधर इस नाम से, इसको पहले तो छोटा करते हैं, मैं कहता हूँ इमेज वन, इसको सेव कर लिया। अब मैं सोर्स में जाके लगाने लगा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने स्लैश प्रेस किया तो ये मुझे बता रहा है यार आपकी इसी फाइल में जो सा एक इमेज भी पड़ी हुई है और ये उसका पाथ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो आ जाता है, और ऑल्ट में मैं बताता हूँ यार ये एक हेलोवीन की पिक्चर है कि जो मैंने यूज की है, अगर आपके पास आपका नेट नहीं आ रहा तो ये आपको टेक्स्ट शो हो जाएगा। उसके लिए हम ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसकी फुल फॉर्म है ऑल्टर नेट, ऑल्टर नेट। ये ऐसे ऐसे सब्सक्रिप्शन, यानी वो आप कह रहे हैं थोड़ा सब्सक्राइब किया होगा हमने पिक्चर, लेकिन इन केस अगर यूजर को पिक्चर किसी रीजन की वजह से नहीं शो हो रही, नेट पे तो पेज नहीं ना लोड होगा। आ गई आपकी पिक्चर भी मेरा बच्चा, ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे आप लोगों को आ रही है, समझ आ रही है? ये सर जी सर, है समझ आ रही है सर। मेरा बच्चा, अभी हम लोग सिर्फ टैग यूज कर रहे हैं, टैग्स के बाद हमने एलिमेंट्स देखे, एलिमेंट्स के बाद हम अपने एट्रीब्यूट्स पर भी काम कर रहे हैं, और ठीक साथ है साथ सर। टैग भी यूज करके देख रहे हैं कि जी वो कैसे यूज होता है। सर ये ठीक हो गया, पिक्चर पिक्चर वाला दोबारा हाँ समझा दीजिए, पिक्चर अच्छा वाला। मेरा बच्चा, बिल्कुल दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। मेरा बच्चा आप ना कोई भी फाइल से पिक्चर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे साइड पे, ठीक है, कहो तो वो करके दिखा दूं दोबारा आपको कैसे करते हैं। यस सर, अच्छा मेरा बच्चा, आपको ये फाइल का आइकन नजर आ रहा है जिसके ऊपर मेरा माउस है इस टाइम? यस सर, अच्छा, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है, आपका ये ओपन हो रहा है पैनल साइड पे, हो यस सर, रहा है मेरा बच्चा। इधर से ना हम ये वाली पिक्चर उठा के ले आते हैं, इस तरह ड्रैग कर रहे हैं और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं मेरे बच्चा। ठीक है, जी, वेल डन, समझ आ गई है? कोई इश्यू तो नहीं इसमें? नो सर, क्लियर है सर। अच्छा मेरा बच्चा, मैं ना इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, MG 2 के नाम से मैंने इसको कर दिया है। हम यहाँ पर अपना एक और इमेज ले रहे हैं ताकि मेरे बच्चे को समझ आ जाए कि हमने किस तरह काम किया है। आपने यहाँ पे IMG यानी इमेज का टैग लेना मेरा बेटा, टैग लोगे तो
तो वो आपको एक सोर्स का एट्रीब्यूट देगा और मेरा बच्चा एक ऑल्ट का एट्रीब्यूट देगा। सोर्स में हम बताते हैं कि हमारी पिक्चर कहाँ से पड़ी है, आपने कहाँ से वो पिक्चर उठानी है, और ऑल्ट का जो सा एट्रीब्यूट होता है, मेरा बच्चा अगर यूजर के पास किसी वजह से पिक्चर नहीं लोड हो रही तो वो उसको ऑल्टरनेट दे देगा कि यार यहाँ पर पिक्चर थी और वो इस चीज की पिक्चर थी। अब मैं यहाँ पर मेरा बच्चा जब जैसे ही स्लैश लगाता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ उसी ही फोल्डर में पिक्चर्स पड़ी हुई हैं और एक इंडेक्स की फाइल भी पड़ी हुई है। ओके ठीक है, अब मैं इमेज टू लगा रहा हूँ, वो मेरा सोर्स सोर्स का एट्रीब्यूट है, वो से बता रहा है कि आपने कहाँ से पिक्चर उठानी है, ये उसको पिक्चर मिल गई। फिर मैं ऑल्ट देता हूँ कि ये एक मैन ज्वेलरी की पिक्चर है, नहीं, ये कैटेगरी नहीं, मेरा बच्चा एक पिक्चर के मुतालिक छोटा सा इंट्रो है। हाँ, पिक्चर का एक इंट्रो है छोटा सा, कि अगर यूजर को पिक्चर नहीं मिली उसको पता चल जाए यार यहाँ किस चीज की पिक्चर थी। हाँ जी मेरा बच्चा, ऑनलाइन में आपको समझ लग गई, यस सर। जी जी सर, समझ आ आपकी रही। पिक्चर भी फिर आ रही होगी इस तरह, आ रही है आपकी पिक्चर भी, ठीक सर हो गया, आपको समझ आ रही है मेरा बच्चा, पक्की बात है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का पूछे मुझे बताएं आप लोग, पक्की बात है, चलें ये तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा मेरा बच्चा, आपने अपना पैराग्राफ का एक टैग बनाओ इमेज के बाद, बनाओ बनाओ, शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी बनाओ, बस ये मेरा बेटा पी टाइप करो, पी टाइप करो तो वो आपको पूरा टैग दे देगा, आ रहा है, ओके हो गया। अब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो सा ना, आप लोरम लिखो, लिखे और उसने आपको पूरी एब्रीवेशन दे दी है, ठीक हो गया, वेरी गुड मेरा बच्चा, आ गया पूरा। अब मेरा बच्चा इसी तरह एक और लोरम हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा बच्चा, एक पी का टैग और दो आप इसके बाद, हाँ जी इसी के बाद जिधर इसका क्लोज हो रहा है उसके बाद एक पी का टैग और लो, ले लिया आपने। अब इसके अंदर लिखो लोरम 200, यानी मुझे लोरम का जो सा पैराग्राफ है ना वो 200 वर्ड्स का दे दिया, ठीक हो गया, करो, आ गया 200 वर्ड्स का लोरम, LORM लोरम 200, स्पेस नहीं नहीं स्पेस नहीं देना, अच्छा मेरा बच्चा, हमने अभी तक देखा है हेडिंग के टैग्स देखे हैं जो H1 से लेके H6 तक होते हैं, जिस तरह नंबर बढ़ता जाता है हेडिंग की अहमियत उतनी कम होती जाती है, उसकी बोल्डनेस उतनी कम होती जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ का टैग देखा है, फिर उसके बाद हमने इमेज का भी टैग देखी है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक UL के टैग पर, UL क्या होता है, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये देखो मेरा बच्चा, मैं यहाँ पे एक यूएल का टैग ले रहा हूँ और यूएल के टैग के अंदर मैं एक LI का टैग ले रहा हूँ, और LI क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट की जो सी लिस्ट आइटम है ना वो LI होती है। अब मैं यहाँ पर 3 LIs ले लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट शॉर्टकट बताऊंगा कि इनको किस तरह इकट्ठे लिखते हैं, ठीक हो गया। अब मैं LI के अंदर लिख लेता हूँ, जी होम लिख लेता हूँ, और अबाउट अबाउट अस लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस कॉन्टैक्ट लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद मेरा बच्चा जब मैं उधर जाऊंगा तो अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि मुझे मेरी लिस्ट आइटम्स मिल रही हैं। यूएल किस लिए होता है मेरा बच्चा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और LI लिस्ट क्या होती है, हाँ होती है सर। मेरा बच्चा, लिस्ट आइटम होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो है ना ये आगे से लिस्ट आइटम होती है। अब इसी के साथ एक और भी होता है ON, सर कहीं अपना स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा स्क्रीन ही शेयर हो रहा है मेरा बच्चा आपको, जी सर, वन जी अचानक सेकंड, बंद हो गया। ऑफ हो गया है। अच्छा मेरा बच्चा ये ले,
सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी मेरा बच्चा। सर है ना, आज हमारा वैसे भी पहला दिन है सर, वो जो बेसिक बेसिक कुछ एलिमेंट्स पैराग्राफ ये जो वर्ड्स कह रहे हैं ना, थोड़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा, ये दिमाग अच्छा में मेरा से बच्चा, इसलिए निकल रहा। ये हम जो ना ये लास्ट चीज देख लेते हैं, फिर इसके बाद मेरा बच्चा मैं आपको सारा एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। और मेरा ओके बच्चा फिर ओके आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको काम दूंगा, आप लोग अपना ख्याल रखें और अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए ओके जी मेरे ओके कॉलेज मिलेगा मेरे लेक्चर ये। जी मेरा जी बच्चा, जी आप लोगों को ये मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, हमने अभी यूएल देखा, अनऑर्डर लिस्ट, इसी तरह एक ओएल भी होता है। ओएल क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। एग्जैक्टली। अब मैंने यहाँ पे अपना ओएल ले लिया, ठीक है। अब ओएल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में से मैं दोबारा क्या लूंगा? अपनी लिस्ट आइटम्स लूंगा। एग्जैक्टली यार, पढ़ने लग गए, समझ आ रही है यार अब तो आप लोग। ये देखो जी, मैंने अब अपनी दोबारा से तीन चीजें ले ली। एल आई, इसमें मैं ले लेता हूँ जी गैलरी, इसमें मैं ले लेता हूँ जी अपना मैप्स, जी सर। इसमें मैं ले लेता हूँ अपना कुछ भी, दोबारा कॉन्टेक्ट ले लेते हैं। अब इसको जब मैं सेव करता हूँ तो अब आप लोगों ने देखना है ये क्या करता है। अब देखो जी, एग्जैक्टली। हाँ जी मेरा बच्चा, ऑनलाइन में समझ लगी है क्या हुआ, ये ऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ है और अनऑर्डर लिस्ट में क्या जी हुआ सर नंबरिंग आ गई है। है। एग्जैक्टली, इसीलिए इसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और चाहे अनऑर्डर लिस्ट हो चाहे ऑर्डर लिस्ट हो, आप लोगों ने इसके अंदर एल आईज लगाने हैं। जब तक एल आई नहीं लगेगा आपकी लिस्ट आइटम्स नहीं बनेंगी, और जब लिस्ट आइटम बनेंगी ही नहीं तो फिर कुछ डिस्प्ले भी नहीं होगा मेरा बच्चा आपको, ठीक है। जी इस तरह करके आप लोग जो ना अपना लिस्ट बनाते हैं, किस भी आपने देखा होगा, यानी कि आप अपने जब किसी वेबसाइट का हम लोग, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, हम किसी वेबसाइट का अगर टॉप पे नैव बार भी देखें ना, तो वो भी इसी तरह ही बना होता है लिस्ट आइटम्स वगैरह लगा के। अब ये हम लोग एक काम कर रहे हैं इस पे, ये देखो मेरा बच्चा, ये नजर आ रहा, ये ऊपर आप लोगों को जो सा ये कैटेगरीज, मेन डेमो पेजेस, ये सारी लिस्ट आइटम्स है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे नंबरिंग नहीं शो हो रही सर यहाँ पे। मेरा बच्चा वो फिर हम सीएसएस से जो ना इसको स्टाइल कर लेते हैं, और इस वजह से फिर उसकी नंबरिंग या जो भी चीज होती है ना, वो हम उसको हाइड कर देते होते हैं। अच्छा ये वो अपना शो होती है लेकिन हम उसको ऐड कर लेते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली, हम उसको स्टाइल कर लेते हैं सीएसएस से, उसको स्टाइल करके कहते हैं यार इसकी जो सी नंबरिंग है ना, आप हाँ उसको जी हाइड कर दें। अच्छा चले मेरा ठीक। बच्चा, अब हम अपना नजर आज का लेक्चर रीकैप करते हैं, मैं आपको स्टार्ट से एक बार दोबारा बताता हूँ, अब आप जी इसको समझना है, ठीक है। मेरा बच्चा, मैंने आप लोगों को बताया कि वेबसाइट के, हाँ जी हाँ जी मेरा बच्चा, पूछे पूछे आप पूछे। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगा स्टार्ट से, ठीक है। अच्छा मेरा बच्चा, मैंने आपको बताया वेब डेवलपमेंट में कुछ चीजें होती हैं, एक आपका स्केलेटन होता है, स्केलेटन के ऊपर आपकी स्किन होती है, स्किन के बाद आपका ब्रेन आ जाता है जो आपके स्किन को आपके स्केलेटन को बता रहा होता है यार आपने किस तरह बिहेव करना है, जब कोई भी चीज आ रही है आपने किस तरह बिहेव करना है। हमारे स्केलेटन में हमारी एचटीएमएल आ जाती है, हमारी स्किन में काफी चीजें आ जाती है, सीएसएस भी हो सकती है, वो बूटस्ट्रैप भी हो सकती है, या वो टेलविंड भी हो सकती है, और हमारे जो सब ब्रेन में उसमें जावास्क्रिप्ट भी आ सकती है, पीएचपी भी आ सकती है, पाइथन भी आ सकती है, हम कुछ भी जो भी हमें लैंग्वेज आती है हम उसको यूज कर सकते हैं। मैं आप फॉलो नहीं किया क्वेश्चन को, नहीं, ये देखो ये तो आपकी ईज पे होता है कि आप क्या आसान लग रहा है, आपको बूटस्ट्रैप अच्छी लग रही है, आपको टेलविंड अच्छी लग रही है, आपके लिए सीएसएस इजी है, जो इजी है आप उसको किसी इन तीन में से आप कोई एक यूज कर रहे होते हैं, कर कभी कभी तीन भी यूज कर रहे होते हैं, अभी जिस लेवल पे हम काम करें हम तो तीनों भी यूज कर लेते हैं, और जो सा स्टार्टर होता है ना वो सिर्फ सीएसएस ही होता है, ठीक है। अच्छा मेरा बच्चा, ये वेब डेवलपमेंट की तीन बेसिक्स होती हैं, एचटीएमएल सीएसएस, ये तो दो इतनी बेसिक है ना कि ये अगर आप लोग नहीं करेंगे ना तो इससे आगे तो आप लोग अपना अगला स्टेप जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, एचटीएमएल और सीएसएस पे ग्रिप करनी है, उसके बाद फिर हमारी आएगी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अभी बहुत बात का टॉपिक है, लिहाजा हम उसको डिस्कस नहीं कौन करते सा जी मेरा बच्चा।
सर मैंने पूछना था कि आप तकरीबन बता सकते हैं कि CSS और HTML में फर्क क्या है। CSS में और HTML में फर्क क्या है मेरा बच्चा? अभी मैंने आपको बताया ना, HTML आपका स्केलेटन है, यानी आपका ढांचा है, आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां होती है ना मेरा बच्चा, ये आपका ढांचा जी है, ये आपका ढांचा है। और ओके CSS जो है ना मेरा बच्चा, ये आपकी स्किन है, ठीक है, यानी आपकी खूबसूरती आपके ढांचे के ऊपर, आपकी स्किन आपकी खूबसूरती है। खाली ढांचा देख के तो कोई नहीं ना कहेगा यार बड़ा खूबसूरत बंदा जा रहा है देखिए मेरे यहाँ से। आउटलाइन जिसे कहते हाँ, तो हम CSS यूज करते हैं उसको ना खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसी तरह मेरा बच्चा, अब आपने क्योंकि आज HTML पढ़ी है, तो हम CSS को भी एट द मोमेंट भूल जाते हैं। मेरा बच्चा, HTML जो है ना, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हमने लैंग्वेज का नाम तो दे दिया, बट ट्रुथ इज दैट कि ये एक लैंग्वेज नहीं है। बात। इतनी बेसिक चीज है, इतनी बेसिक चीज है, अगर ये ना हो तो ओके वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और अगर ये हो तो बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। HTML जी होती है, HTML ना जी हमारी एक कलेक्शन है, कुछ चंद में चीजें तो नहीं कहूंगा क्योंकि काफी चीजें होती हैं इसमें, लेकिन कुछ चीजों की कलेक्शन। उन चीजों में मेरा बच्चा अपना माइक बंद करें, मेरा बच्चा अपना माइक बंद कर लें, ये कलेक्शन है कुछ चीजों की, जिसमें से मैंने आज आपको तीन चीजें बताई। आज मैंने आपको बताया एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हमारा टैग क्या होता है, मैंने सबसे पहले टैग की बात की थी। टैग ये बच्चा मैंने आपको, आप लोग ऑनलाइन वाले, मेरा बच्चा ये H1 आप देख रहे हैं, ये टॉप पर, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है शिफ्ट के साथ, ये H5 और H1, यस सर ये मेरा बच्चा H1 जो सा है ना, ये एक टैग है, ठीक है। अब इस टैग के टैग अंदर जब हम कुछ कुछ कंटेंट को डाल देते हैं ना, तो वो एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब टैग्स की टाइप्स भी हैं, जिस तरह के मैंने आपको इधर दिखाया कि ये जो सा है पेयर टैग, इसका पेयर है, एक इसका ओपनिंग टैग है और एक इसका क्लोजिंग टैग है। लेट्स से कि मैं अपना जो सा ना इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगा, क्या हो, मैं इधर जो सा ना खाली एक H1 डाल, सर, फिर ये सिंटेक्स एरर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं मेरा बच्चा? मैंने कहा ये फिर ये अपना सिंटेक्स एरर आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं ना क्या होता है। अब ये आप देख रहे हो कि मेरे पास तो एक्सटेंशन लगी है, इस टाइम ये मुझे एक एरर दे रहा है कि यार आपका जो H1 टैग है ना, वो यूज तो होगा लेकिन उसको जो सा ना यार वो क्लोज नहीं हो रहा कहीं पे। अब मैं इसको जो सा ना क्लोज कर लेता हूं, और ये मेरा क्लोज हो गया। क्या मतलब? हाँ जी, वो फिर दोनों तरफ लग जाता है, वो पूरा टैग है ना चूंकि, इस वजह से वो पूरा कंप्लीट आपको टैग ही देगा। वो मैंने खुद करके दिखाया था कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। मेरा बच्चा ये H1 जो सा है ना, ये एक पेयर टैग है, इसका एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है। कुछ टैग्स होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, नहीं पी तो मेरे इसके पास है नहीं, ये देखो ये पी यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा मेरा बच्चा, नहीं ये पी जोन सा है, ये भी आपका पेयर टैग है। कुछ होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, यानी उनको जोन सा ना ओपनिंग टैग की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही क्लोज हो जाते हैं। पेयर टैग के ना तो उनमें क्लोजिंग होती है ना ओपनिंग होती है, बस आप एक नाम लिखते हैं। अब मैं आपको वो एक इसमें लगा के दिखा देता हूँ, ऑनलाइन वाले भी जरा गौर से देखिएगा, ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने इधर एक टैग लिया है बी आर के नाम से, ये बेसिकली ब्रेक का टैग है, और ये आपकी लाइन ब्रेक कर रहा होता है किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी चीज में, ये आपकी लाइन को ब्रेक कर रहा होगा। अब आप लोगों ने देखा ऊपर वाली लाइन जो सी है वो ब्रेक हो गई है, और आगे से टेक्स्ट जो सा है ना वो स्टार्ट हो गया। यार अभी मैं यूज कर रहा था उसको, मैं बताता हूँ।
और सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा ना यार, आप लोग ये देखो, इमेज का टैग मैंने यूज किया हुआ ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, जी ये देख लो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है आपका, यानी कि इसमें ना तो कोई ओपनिंग यस है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं हो रही है, ये अपने आप को खुद क्लोज कर रहा है। ये क्लोज जी कब होता है जब इसमें लास्ट में स्लैश लगता है। मेरे बच्चे ऐसा कोई टैग है ही नहीं ना, ऐसा कोई टैग है ही नहीं, इस तरह के टैग बहुत गिने चुने थोड़े बहुत ही हैं, जिस तरह के मैंने आपको एक ब्रेक का लगा के दिखा दिया, एक हॉरिजॉन्टल का आता है वो बेसिकली एक लाइन बना देता है, वो टैग होता है, आप अगर मैं वो लगाऊंगा तो सेल्फ ये सब की टैग। लाइन। हाँ जी मेरा बच्चा, जी जी पूछे पूछे। मैंने कहा ये जो लिंक का टैग है सर, लिंक का टैग, ये ये लिंक का टैग नहीं है मेरा बेटा, ये एल आई है, लिस्ट आइटम का टैग है, और ये जो सा है ना चिल्ड्रन एलिमेंट होता है। वो अच्छा मेरा सेल्फ, बच्चा, हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ टैग की। ये जो लिंक का टैग होता है सर, ये सेल्फ टैग नहीं होता, ये नहीं मेरा जिसमें बच्चा, हम ये पेयर एक टैग है, पेयर टैग है, ये देख रहे हो मेरा बच्चा, एक इसका ओपनिंग में आ रहा है एल आई, और एक इसका लास्ट में आ रहा है, और इसके बीच में हम लोगों ने होम लिखा हुआ है, ठीक जी है, ये पेयर टैग है, ठीक सही। है। अब आपको मैंने अभी बताया ना जो सा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है वो इमेज का टैग है, आप इसका कोई ओपनिंग देख रहे हो या कोई क्लोजिंग देख रहे हो आप, या खुद ही से नहीं ओपन हो रहा है और खुद को खुद ही क्लोज कर रहा है अपने आप को, जी ठीक हो गया। मैं एक आपको एम्प्टी जो सा वो भी लगा के दिखा देता हूँ, ये देखो ये इमेज का एक एम्प्टी टैग मैंने लगा के दिखाया आप लोगों को, इसमें कुछ है सर। नहीं है ना, ये खुद को खुद ही क्लोज कर रहा है। और फिर इसके बाद मैंने आपको एक जो सा था ऐसा टैग लगा के दिखाया कि जो जिसको क्लोजिंग की भी जरूरत नहीं होती जी है। अच्छा मेरा बच्चा, फिर हम लोगों ने उसके बाद कुछ और जो सा अपना टैग्स देखे, जिसमें हमारा पी का एक टैग था, अब पी हमारे स्टैंड करती है पैराग्राफ के लिए, अब इसमें आप जितना मर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि ये H1 की तरह तो है नहीं, हेडिंग टैग की तरह तो है नहीं कि यार कुछ इंपॉर्टेंट है या कुछ ऐसा है वो, इसके अगर आपने इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बनाना हो तो हम उसमें कुछ और भी चीजें लगा सकते हैं, जिस तरह बोल्ड का भी आ जाता है हमारे पास, जिस तरह हम CSS करके भी उसको स्टाइल कर लेते हैं, जिस तरह हम बेशक अगर मैं चाहूँ ना तो ये देखो जी मैं अपना एक H1 बनाता हूँ, ठीक है, और इस H1 को मैं जोन सा है ना, ये देखो मेरा बच्चा ये बोल्ड नहीं होगा, ये अब हेडिंग बन जाएगी टैग के अंदर ही, देख रहे हो ये भी सेपरेट हो गए। मैं आपको दिखा रहा, हो गया H1 भी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ये लाइन को ब्रेक कर दे, लाइन को ब्रेक कर देता होता है, और वो बोल्ड का भी टैग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग का टैग होता है बेसिकली, और वाले स्ट्रॉन्ग कैसे आप लोग, और स्ट्रॉन्ग का टैग होता है मेरा बच्चा। आज बैठ, बैठ बैठ चलिए बैठे, अब वो भी मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ, यहां से मैं कुछ टेक्स्ट को उठा लेता हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर लगा देता हूँ, ये एयर टैग, स्ट्रॉन्ग यह स्ट्रॉन्ग। हाँ जी मेरा बच्चा, क्या पूछ रहे हैं आप। का, मैंने कहा सर ये किस लिए होता है स्ट्रॉन्ग का टैग। अच्छा मेरा बच्चा, ये इसलिए होता है, ये ना आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा लाइटली बोल्ड कर देता होता है, आप देख रहे हैं आप ये पेज पे, ये हाँ जी जी लाइटली बोल्ड हो गया, ये आपका जी ठीक, क्लियरली यूं करता है, ठीक है, ओके 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 हो गया। अच्छा मेरा बच्चा, ये था हमारा पी का टैग पैराग्राफ के लिए, कि हम पैराग्राफ अपने वेब पेज में किस तरह लेते हैं। फिर उसके बाद जी मैंने आप लोगों को इमेज का एक टैग बताया, सेल्फ क्लोजिंग टैग है सबसे पहले, और इमेज टैग के अंदर फिर मैंने आपको एट्रीब्यूट्स का बताया, एट्रीब्यूट्स, जी एट्रीब्यूट मेरा बच्चा, ये सोर्स को आप ऑल्टरनेटिव तो नहीं कहेंगे ना, ये सोर्स एट्रीब्यूट है, और इवन की ये जो सा आपका ऑल्ट है ये भी एक एट्रीब्यूट है। जी इमेज का सर मैंने टैग लिया मेरा बच्चा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग था, फिर मैंने इसमें आपको एक सोर्स का एट्रीब्यूट ये बिल्ट इन ही लगाएगा, सोर्स
सोर्स हमें बताता है कि जी मेरी इमेज जो सी है वो कहाँ पर पड़ी है, या आपने मेरी इमेज कहाँ से लेनी है, ठीक है। मेरा बच्चा बोल रहा कि आपने सोर्स में ये हमें बताता है कि इमेज हमने कहाँ से लेनी है। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट में बताता है कि यार अगर यूजर को किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से इमेज नहीं शो हो रही है, तो ये टेक्स्ट शो हो जाता है कि यार ये मेरा जो सा ना इस चीज की यहाँ पे इमेज लगी है। जिस तरह के मैंने पहले एक हेलोवीन की पिक्चर लगाई है, इन केस अगर यूजर को नहीं शो होगी तो वो टेक्स्ट दे देगा यार यहाँ पे एक हेलोवीन की पिक्चर लगी है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरा बच्चा मैंने आपको एक यूएल का बताया। यूएल क्या होता है? ऑनलाइन वाले मेरा बच्चा यूएल क्या होता है यार, आप लोग भी बोल रहे ना कुछ। सर ये होता है जी, अनऑर्डर लिस्ट होता है, वेरी गुड ऑर्डर्ड लिस्ट सर। बच्चा, ये अनऑर्डर लिस्ट होता है। और एलआई क्या होता है मेरा बच्चा ऑनलाइन वाले? ये सर लिस्ट 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 आइटम आइटम। होगा हाँ मेरा बच्चा ये लिस्ट आइटम होती है। सर। अब यूएल में और ओएल में क्या फर्क होता है मेरा बच्चा, आप लोग बताए ना ऑनलाइन वाले। ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट है सर, उसमें नंबर लिस्ट जो है क्या? ये यूएल अनऑर्डर लिस्ट है उसमें ऑर्डर नहीं होती, जिस तरह 1 2 3 4, और जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें एक किस्म की वो लिस्टिंग होती है ना, जैसे ABC या 1 2 3 4 इस तरह। हाँ, बिल्कुल मेरा बच्चा, बिल्कुल इसी तरह ही होता है। आज का सिर्फ मेरा बच्चा इतना काम है, ठीक है। अच्छा मेरा बच्चा, वेब डेवलपमेंट में ना एक ऐसी चीज है कि अगर आप लोग इसका हाथ छोड़ देंगे ना तो वेब डेवलपमेंट आपका हाथ छोड़ देगी। और वो चीज ये होती है आर एंड डी। आर एंड डी स्टैंड फॉर रिवाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने आज जो भी पढ़ा है ना मेरा बच्चा, आप लोगों ने घर जाके ना एक बार इसकी आर एंड डी करनी है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है। आज हम लोगों ने ये पढ़ा है तो ये क्या होता है, ठीक है। और फिर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट क्लास में मेरा बच्चा आप सब लोग जो है ना एक सिंपल सा, बहुत नॉर्मल सा कुछ भी बना लें, कि जो चीजें हमने यूज की है इन सबको यूज करके एक बहुत नॉर्मल सा वेब पेज बनाकर लाना है आप सब लोगों ने, ठीक है। और आप लोग मुझे इसको सबमिट भी करवाएंगे ऑनलाइन, ठीक हो गया। इन सब चीजों को यूज करते हुए आप लोग एक बहुत नॉर्मल सा वेब पेज बनाएंगे। ओके सर, ओके आप लोग भी मेरा बच्चा, आप लोगों ने भी यही काम करना है। और आर एंड डी का हाथ नहीं छोड़ना मेरा बच्चा, किसी सूरत में आर एंड डी का हाथ नहीं छोड़ना। आप लोगों ने रिसर्च करनी है, जो ठीक हो गया सर। क्लास भी आप कब पढ़ेंगे होगी? बस एंड होने वाली है क्लास। नेक्स्ट हाँ मेरा बच्चा, एडिशनल आमीन करोगे तो इससे ज्यादा मुझे किसी का आमीन सर। उसका रिकॉर्डिंग लेंगे हमें कहाँ मिलेगा रिकॉर्ड? आमीन। यार सबसे पहले ना तो एक ये है कि आप लोग जरा अपनी आवाजें तो थोड़ी कम किया करो ना, ये पीछे से आवाज बड़ी आ रही होती है। सर जी और नेक्स्ट आप क्लास में से कितने में बच्चे ऐसे हैं यार कि जो अपना प्रेजेंट जो सा लेक्चर ले सकते हैं? सर, मेरा बच्चा प्रेजेंट लेक्चर लेने की कोशिश करो, ये काम नहीं करना बच्चे। आज कर लिया, आइंदा के बाद ये काम नहीं करना क्लास में। मेरा बच्चा आप लोग ना कोशिश करें कि प्रेजेंट आके लेक्चर लें, इससे ना आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप लोग मेरे साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप मेरे से कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल। लाना पड़ेगा। हाँ जी मैंने कहा कि आप चाह रहे हैं कि हम फिजिकल आया करें यहाँ पे। हाँ हाँ मेरा बच्चा, फिजिकल आओ ना ताकि मुझे पता हो कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, मेरा कौन सा बच्चा है जो उनसे अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, कौन हाँ ज्यादा जी चलने वाला सर, है, कौन एक्चुअली कम मैं चलने तो वाला है। आउटसाइडर हूँ सर, मैं कोई आउटसाइडर हूँ मसला सर। नहीं है, बाबा मेरा बेटा जी कोई मसला मसला नहीं नहीं है। होता आप सर जी, कोई ये सर्दी कम हो रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है। तकलीफ तो जो सेंस है उनका आना तो सही मुश्किल मेरा, है सर। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, आप दो कंबल लेकर आ जाए करो, कुर्सियां हमारी काफी बड़ी हैं इधर। नहीं नहीं सर जी, बात पता क्या है, ये सिर्फ ना ये अपना 1 वीक या 2 वीक्स के बाद इंशाल्लाह ना फिर हम फिजिकल ही आया करेंगे आपके पास बहुत फेस अच्छी टू बात फेस। है। अच्छा हाँ जी आज से, आज जो आप लोगों ने लेक्चर लिया, कोई चीज ऐसी जो आपको लगता हो यार नहीं यार ये सर को दोबारा एक्सप्लेन करनी चाहिए यार नहीं समझ आई है, तो मुझे नहीं सर बताएं, जी, आपका ओपनली मतलब बताएं। स्टाइल ही बड़ा अच्छा लगा सर पढ़ाने वेरी का। गुड यार, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को यार हाँ जी सब कुछ समझ आया। आप अच्छा यार देखो कुछ सर मैंने बताया, HTML बहुत इजी है, बहुत इजी है यूज करने के लिए। आप सब लोग एक जी वेबसाइट का नाम लिखे, सब लोग एक वेबसाइट का नाम लिखे, W3 स्कूल का पता है मेरा बच्चा आप लोगों को पता है, हाँ जी नाम लिखे और उस पे जाके ना सिर्फ और सिर्फ HTML को देख रहे हैं आप लोगों ने। और जो टैग्स मैंने आज आपको नहीं करवाए, टैग्स हाँ जी आपको नहीं करवाए, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने उनके बारे में मेरे से क्वेश्चन करना है और कहना है कि मुझे सर ये करके दिखाएं मुझे इसकी समझ नहीं है, ये सर ये करके दिखाएं मुझे इसकी समझ नहीं है।
और मैं वो यार। आप लोग को करके दिखाऊंगा। आप एक स्टेप लेंगे, मैं दो स्टेप लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन जी आप सर, लोगों ने, कौन सा वेबसाइट आप बता रहे हैं? हाँ जी मेरा बच्चा, क्या कह रहे हो आप? सर आप कौन से वेबसाइट की बात कर रहे थे? ओके मेरा बच्चा, इसका नाम है W3 School, सर, ठीक ठीक हो गया? ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। सिर्फ पढ़ना है, सीखने की कोशिश नहीं करनी, सिखा मैं आपको खुद दूंगा, बल्कि ट्राई जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से मोर देन वेलकम यार, जब मर्जी आप पूछे। ये देखें, ये है W3 Schools के नाम से वेबसाइट, तो ये जब यस आप जाते हैं तो इसमें ये HTML के बारे में सारा ब्रीफकेशन के साथ है, ब्रीफली पढ़ा हुआ, ठीक है? जी, सिर्फ ये आप HTML, ये जो स्क्रिप्ट भी आप हमें इनके ये अपने इसी स्टाइल से एक पढ़ाएंगे आस्ता आस्ता, स्लोली स्लोली और अच्छी तरह। मेरा बच्चा, मैं ना HTML की, अगर मेरी आपके साथ नेक्स्ट क्लास हुई तो वो हमारी नेक्स्ट सेकेंड और लास्ट क्लास होगी। इस तरह है ना मेरा बच्चा, कि हम हमने वेब डेवलपमेंट करनी है तो HTML तो एक ऐसी चीज है जो आगे यूज होनी ही होनी है। HTML के बगैर तो जी हमारी मैं वेबसाइट ही जावास्क्रिप्ट की बंद। बात कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट मेरा बच्चा, अभी वो दूर का टॉपिक है, वो कम से कम 1.5 महीने बाद का टॉपिक है। जी सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ओ आप वो भी इसी तरह समझाएंगे हमें इनके आस्था आस्था इनके अच्छी तरह, मेरा क्योंकि बच्चा, मैं आप कैसे, किस तरह आप यूं क्वेश्चन कर रहे हैं? आप किस तरह परेशान ही नहीं होना आप लोगों ने, बस ठीक है एक सर। सेकंड के लिए भी परेशान नहीं होना। अगर मैं ना हुआ, सर हारिस होंगे, वो हाँ तो जी, हाँ उस्तादों जी के उस्ताद हैं, वो तो आप बेफिक्र हैं, आपको ऐसे सिखाएंगे कि आप फिंगर टिप्स पे हो जाएगी चीजें, ठीक बस ठीक है सर, ठीक है हूँ मेरा मैं, ठीक बच्चा? और है किसी का ठीक। कोई क्वेश्चन ऑनलाइन में? क्या चैट्स आई हैं, मैं चैट्स देख लूं? सर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हमें लेक्चर? अच्छा मेरा बच्चा, मैं भी देख लेता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग हुई होगी तो ये आपको जरूर मिल जाएगी आज, ठीक है? हाँ मैं पता हाँ क्या कह श्योर, रहा हूँ गो अहेड। सर, हम जावा के अलावा और भी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं? हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन जावा इज सेपरेट एंड जावा स्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट थिंग, दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस है। और मजे की बात यह है, जावा का जावा स्क्रिप्ट के साथ दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ मेरा बच्चा, जी जी सर, एक क्वेश्चन था कि जो स्क्रिप्टिंग हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, क्या वही हम पाइथन वगैरह के थ्रू भी इम्प्लाई कर सकते हैं एचटीएमएल के साथ? HTML में डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट ये तो नहीं अप्लाई कर सकते ना, यानी कि इन पेज में कर भी सकते हैं, लेकिन वो इस तरह तो नहीं बिल्कुल ही डायरेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं। अच्छा, मतलब जेएस की बिल्कुल डोमेन ही और है। नहीं, इसी तरह ही बन रही होगी, यानी कि एक मैंने HTML का पेज लिया ना, ये देखो मेरा बच्चा, अब ये मैं यहाँ पे एक index.js की भी ले लेता हूँ, ये मेरा JS का पेज बन जाएगा, यहाँ पे मैं कोड करूंगा और वहां से मैं फेच कर लूंगा, ये सर इसको हमें वहां ठीक पे हो कर गया सर, दूंगा। ठीक हमें ठीक हो इंडेक्स गया लिखना सर। लाजमी है क्या? सर आगे क्वेश्चन, जी जी मेरा बच्चा, पूछें क्वेश्चन पूछ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम एचटीएमएल को फ्लटर में कर सकते हैं? HTML को किसमें? फ्लटर सर फ्लटर में में? जी। फ्लटर यार मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, इसलिए कोई आइडिया नहीं है मुझे उसका। ओके और सर, फ्लटर में भी जो सा ना, पहले तो देखो HTML बनेगी तो कोई और चीज आके इस पे इंटीग्रेट होगी ना जी जी बिल्कुल सर। सर ये एचटीएमएल जो सीएसएस है सर, ये बेसिक यार, ये इतनी बेसिक है, इतनी बेसिक है कि जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है ना, तो किस तरह वो अपनी माँ की गोद में रहता है, किस बेसिक लेते हैं, ये वो चीज है, तो बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा बच्चा। इन दोनों के बगैर ना आपकी वेबसाइट यार क्या किसका मुझे ना। एक चीज़ बताइएगा, मुझे एक चीज़ बताइएगा जी जी कि ये एच टी एम एल सी एस एस कब तक चलेगी? मतलब क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि, क्योंकि मुझे आती है एक्चुअल में, यार मुझे देखो, आगे नेक्स्ट, क्योंकि मैं तो आपसे ये है कि जाहिर सी बात है सबने चलना है, तो उसी के साथ हम चलेंगे, वो कोई मसला नहीं है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। आप इसको करवाएं, मैं देखूंगा, अभी हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। मुझे ये बताएं कि आगे नेक्स्ट जो जावा स्क्रिप्ट है, इसके बाद जाहिर सी बात है हमने एक्सप्रेस जेएस, लारावेल जो कि आउटलाइन है आपने दी हुई है शेयर किया हमारे साथ, वो मैं आपसे पूछा था कि हम जावास्क्रिप्ट तक मतलब कब तक, 1-1.5 महीना आपने टाइम दिया है, तो इसके दौरान जो हमारा एचटीएमएल है इसमें जो हम फुल पेज अच्छा क्रिएशन मेरा बच्चा, हम करना नजर चाहते आपके हैं वो क्वेश्चन को मुझे बता समअप दें करते कि हैं, मैं आपका ना क्वेश्चन ये समझ हमें गया। प्रोजेक्ट कब मिल अच्छा जाएगा, प्रोजेक्ट
होगी HTML की। और जहां तक बात रही CSS की, तो देखो हर कोई चाहता है कि यार वो खूबसूरत दिखे, वो अच्छे कपड़े पहने, तो हम भी चाहते हैं हमारी वेबसाइट जो वो खूबसूरत दिखे, तो हम उसको ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम उसको 1 month देंगे। 1 month में हमारे अगर 2 लेक्चर होते हैं आपके पर वीक में, तो यानी कि टोटल 8 लेक्चर्स हो गए, हम उसके ऊपर टोटल 8 लेक्चर्स करेंगे। हो सकता है 6 में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 8 में कंप्लीट हो जाए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे। और बात रही जावास्क्रिप्ट की, तो मेरा बच्चा वो तो फिर उसके बाद वही चलनी है, एंड तक वही चले। जी, एंड तक तो जो उसमें साथ चलेगी। ये मुझे बताएं कि जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट कितना टाइम होगा, मैं राउंड अबाउट पूछ रहा हूँ आपसे, उसमें कोई कितना आइडिया नहीं है, टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे जिस तरह करेंगे, आप कोर्स की जो ड्यूरेशन है 6 month है, 3 months है, जो भी है, हमने इसको उसके अंदर सम अप करना। लगेगा। और मुझे ये बताएं कि जो हम प्रोजेक्ट लेके चलेंगे HTML वाला, वही जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी या कोई नया प्रोजेक्ट उसके ऊपर नहीं चलेगा? नहीं मेरा बच्चा, जिस तरह हम एडवांस होते जाएंगे, हम HTML को, CSS को, इन सब चीजों को छोड़ते जाएंगे और एडवांस चीजें पकड़ते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, ये ही चीजें आगे जाके एडवांस होती रहेंगी, ठीक है? तो इनको हम जाएंगे यूज यही करेंगे, लेकिन हमारा वे डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन के जावास्क्रिप्ट के बाद आउटलाइन में ये लिखे कि लारावेल पे आएंगे, नहीं तो मेरा मुझे बच्चा, कंफर्म अब मैं बताइए आपको लारावेल बता पे दूं। जाना है या एक्सप्रेस पे ही जाना है हमने? मतलब जो कि मन की बात है, तो मन में तो ये चार चीजें आती है ना। अच्छा मेरा बच्चा, मर्न में जोन सा ना, वो एक्सप्रेस जोन सा, वो भी नोड के थ्रू आती है, वो नोड की आगे से एक लैब है, ठीक है? तो हम इसमें देखें, अब डिपेंड करता है हम लोग एक्सप्रेस करेंगे या नेक्स्ट करेंगे। एक्सप्रेस तो करेंगे, अगर नोड की तो एक्सप्रेस तो करेंगे करेंगे, लेकिन लारावेल करेंगे या नेक्स्ट जेएस करेंगे, इसका फिर जो हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है? बच्चा ठीक है। परेशान ही ना होगा तो जरूर आपको देंगे, क्यों नहीं देंगे? हाँ क्वेश्चन नहीं, वो आपको ये यहाँ पे बना कर देंगे, उस यही लोग आपको ऐड करेंगे, आपको मैनेजमेंट खुद ऐड कर देंगे। हाँ जी मेरा बच्चा, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, मेरा क्वेश्चन था, एक मिनट मेरा बच्चा, एक मिनट रुक जाए आप। एक ना जोया शफीक है, उनका क्वेश्चन है विजुअल स्टूडियो का अल्टरनेट क्या है। मेरा बच्चा मैंने आपको बताया लाइन स्टूडियो है, सब लाइन टेक्स्ट है, आप इवन कि आपका नोट पैड जो सा होता है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मेरा बच्चा आप पाईचार्म भी एक है, टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही कहा था हम इसको विजुअल स्टूडियो को यूज करेंगे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो से बेटर कुछ भी नहीं है HTML CSS वगैरह के लिए, इवन कि जावास्क्रिप्ट के लिए। सर हमारे प्रोजेक्ट्स में ई कॉमर्स वेबसाइट होगी? ई कॉमर्स वेबसाइट यार लाजमी तो नहीं है ना, कि जो सब बना रहे हैं हम वही बनाएंगे, हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बना लेंगे, कुछ अच्छा बना लेंगे, क्या ख्याल है आपका? ठीक, बिल्कुल सर, ये तो फिर अच्छी बात है अगर बड़ा अच्छा, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मोहम्मद बिलाल बना आरिफ का एक क्वेश्चन है, सर कोर्स की आउटलाइन के मुताबिक चलना है आपने। यार देखो इंशाल्लाह इसी तरह ही चलेंगे, नहीं मिली? नहीं, वो तो ग्रुप में तो नहीं होती, वो तो अब जब एडमिशन लेते हैं तब होती है ना। और फिर उसके बाद कोई मसला नहीं है, जिन लोगों के लिए फिजिकल हार्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। सर रिएक्ट जेएस तक कितने मंथ तक पहुंचेंगे? यार अब देखो हम लोग जो है ना अपना HTML CSS को ज्यादा से ज्यादा 1.5 month में कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारी जेएस ही स्टार्ट हो जानी है, और फिर हमारी जेएस ही चलनी है, और फिर रिएक्ट या नेक्स्ट जो है वो उसी में ही आएगी। सर ये टेक्स हमें सर याद करने पड़ेंगे। यार ये तो आप, ये जो होता है ना वेब डेवलपमेंट या कोई भी कोडिंग जो सी होती है ना, ये मैथ के किसी चैप्टर की तरह होती है, चाहे वो फिर एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, या लॉगरिथम्स हो, या कुछ और चीज हो, कि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद रहती है, नहीं तो फिर वो आपको भूल जाती है। आपने इवन के एक हफ्ता भी ब्रेक ले लिया, 1 साल आप कोड करते रहे, आपने एक हफ्ता भी ब्रेक ले लिया ना, तो मेरा बच्चा फिर आपको एक बार तो जो सा ना मुश्किल होगी दोबारा स्टार्ट करने में 1 वीक के बाद, ठीक है? अच्छा सर, ये टैक्स है कितने वैसे? यार ये राउंड अबाउट 144 इसी के कुछ करीब है, 144 के राउंड टैग्स हैं। हाँ अच्छा, ये सर HTML में यूज होते हैं बस हाँ जी मेरा बच्चा, ये सिर्फ ये? HTML है। हाँ जी इसके राउंड अबाउट टैग्स हैं, सब इसी में ही आते हैं। वालेकुम सर।
हाँ जी मेरा बच्चा, सर मेरा वालेकुम सवाल सलाम। तो नहीं हाँ था, जी लेकिन मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मैंने क्लास लेट अटेंड की है ड्यू टू माय नेटवर्क इशू। मेरा बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा सर मैंने क्लास लेट अटेंड की थी आज, ठीक है, नेटवर्क इशू था हमारे हाँ यहाँ। हाँ अच्छा मेरा तो बच्चा, मैं ना देखता हूँ, अगर तो रिकॉर्डिंग हुई होगी तो मैं आज आपको दे देता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ना इसको एक बार दोबारा जो सा ना देख लेंगे। सर जी ये रिकॉर्डिंग का लाजमी करें, बंदा प्रैक्टिस करता है ना बाद में काम आती है। यार ये देखो ना, नहीं नहीं अब सर, रिकॉर्डिंग का तो वैसे भी कहा गया था ना कि रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, तो मेरे ख्याल से ये तो हाँ मतलब रिकॉर्ड हो रही होना है, चाहिए और टेंशन ना नहीं आ लो, रही। रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो मिल जाएगी। सर मैं तो बिल्कुल बिगनर हूँ ना, मैंने तो कभी पहले इससे कभी रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है अभी फिलहाल। अरे जाने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, रिकॉर्डिंग ऑन है, मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो सर अच्छा भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन में? सर मेरा क्वेश्चन था हाँ सर, मैंने कहना था कि मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मैंने इससे पहले कभी ना कोडिंग की है ना ही ये सॉफ्टवेयर यूज किया है, तो यार, मुझे आपको किसी चीज की परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं जो सा ना जिस तरह चलेंगे हम लोग बिल्कुल साथ लेके चलेंगे एक दूसरे को, ठीक है? चाहे वो पहली लाइन में बैठे हो, चाहे वो फर्स्ट स्टूडेंट हो, चाहे वो 100 स्टूडेंट हो, मेरे लिए आप सब लोग इक्वल हैं और हम लोग सब लोग जो सा एक साथ चलेंगे, ठीक है? एक को आता होगा तो 99 आगे मूव करेंगे, अगर एक को नहीं आता तो 99 भी आगे मूव नहीं करेंगे, ठीक सही बात है है मेरा बच्चा? और कोई परेशानी? बता दीजिए। सर 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 क्लास लीव कर सकते हैं, नमाज का टाइम हो रहा था इधर तो ठीक है, ठीक है, ये। आप लोग जाएं, ठीक है, इंशाल्लाह फिर जॉनसन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।